सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार और खुशी भरे होने वाले हैं, जहां एक तरफ कावेरी पोद्दार बहुत ही बुरे से फंसने वाली है क्योंकि चारू ने अरमान के कमरे से वो फाइल जो जमीन के थे वो चुरा करके देव सर को दे दिया है और देव सर का केस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया है। कावेरी पोद्दार के होश उड़ जाते हैं जब उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डर जाने वाली हैं। उनको लगता है कि अरमान उनका केस हार जाएगा क्योंकि यहाँ पर उनके खिलाफ काफ़ी सारे सबूत हैं और उस सबूत के मद्देनज़र यहाँ पर कावेरी पोद्दार को जेल होना तय है। इसीलिए कावेरी पोद्दार जो है काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी कोर्ट में पेश होने वाली हैं, जहाँ पर अरमान कावेरी पोद्दार को सहारा देते हुए नज़र आने वाले हैं। और जैसे ही उनको कटघरे में बुलाया जाता है तो अचानक से वहाँ पर अभीरा की एंट्री हो जाती है और अभीरा जो है कावेरी पोद्दार को रुकने के लिए कहती है। यहाँ पर देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अभीरा ऐसा क्या करने वाली है जिससे कि कावेरी पोद्दार जो है वह शॉक होने वाली है। पहले तो अरमान को अभीरा पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये फिर आ गई टांग अड़ाने और ज़रूर कोर्ट में ऐसा कुछ करेगी जिससे कि उसका केस जो है और भी ज़्यादा धीमा पड़ जाएगा और देव जो है वो केस को जीत लेगा। तो वह काफ़ी ज़्यादा यहाँ अभीरा के बारे में गलत सोच रहा है। वहीं पर दादी सा भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है मन ही मन कि ये लड़की पता नहीं क्या करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि अभीरा ने सारे के सारे डिटेल्स निकलवा लिए हैं और उसमें उसको पता चल चुका है कि यहाँ पर दादी सा की कोई गलती नहीं है बल्कि उनके पीठ पीछे ये काम हुआ है, इसीलिए तो उनका नाम लगा है। अब यहाँ पर वह कोर्ट में सारे सबूत को पेश करने वाली है और दादी सा को बचाने की यहाँ पर कोशिश करने वाली है। कोशिश क्या, वो दादी सा को एकदम निर्दोष साबित कर ही देने वाली है और यहाँ पर जो केस है वह अरमान के पक्ष में आने वाला है। देव सर जो है यह केस जरूर हारेंगे क्योंकि यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही है। कावेरी पोद्दार ने आग बिल्कुल भी नहीं लगवाई है बल्कि उन्होंने निर्दोषों की जो वहाँ पर मासूम लोग हैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की है और उनका सारा का सारा जो घर जल चुका था उनका घर बनवाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च किए हुए हैं। तो ये सारे सबूत अभीरा लाने वाली है कोर्ट के सामने और बताने वाली है कि जो औरत सबके लिए इतना अच्छा सोचती है तो वह भला आग कैसे लगवा सकती है और कैसे गरीब लोगों के घरों को जलवा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कावेरी पोद्दार ने आज तक ऐसा नहीं किया है और ये उनको फंसाने की कोशिश है। और यहाँ पर वह कोर्ट के सामने यह भी साबित कर देने वाली है कि आखिर इनके पीछे जो कुछ भी काम चल रहा है यानी कावेरी पोद्दार को फंसाने के लिए वो कौन है, उसका चेहरा आने वाला है बहुत ही जल्द सबके सामने, जहाँ पर कावेरी पोद्दार अरमान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगने वाला है धक्का कि आखिर ये इंसान जो है इतना बड़ा कांड कर सकता है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।